दोस्तों, ये कहानी है एक भाई बहन की, जो एक किताबी दास्तां है। भाई बहन की कहानी कैसे एक मोहब्बत में बदल जाती है, इस कहानी में सुने। क्या भाई बहन में भी ऐसा हो सकता है, ये आपको आज पता चल जाएगा। मेरा नाम शबाना है, मेरा बड़ा भाई काशिक 12वीं में पढ़ता है। वह गोरा, चिट्टा और करीब मेरे ही बराबर लंबा भी है, और वह मुझे दीदी कहता है। मैं इस समय 20 साल की हूँ और वह 21 साल का है। मुझे काशिक के बाल बहुत प्यारे लगते हैं। दिल करता है कि बस हाथ फेरते रहूं। पापा गवर्नमेंट जॉब में है और माँ प्राइवेट जॉब में है। माँ जब जॉब की वजह से कहीं बाहर जाती है तो घर में बस हम दो भाई बहन ही रह जाते हैं। एक बार माँ 3 दिनों के लिए बाहर गई थी। रात को हमने डिनर के बाद कुछ देर टीवी देखा, फिर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। करीब 1 घंटे बाद प्यास लगने की वजह से मेरी नींद खुल गई। बोतल देखी तो खाली थी। मैं उठकर रसोई में पानी पीने गई तो लौटते समय देखा कि काशिक के कमरे की लाइट जल रही थी और दरवाजा भी थोड़ा सा खुला था। मुझे लगा कि शायद वह लाइट ऑफ करना भूल गया है। मैं ही बंद कर देती हूँ। मैं चुपके से उसी कमरे में गई, लेकिन अंदर का नजारा देखकर मैं हैरान रह गई। काशिक एक हाथ में कोई किताब पकड़कर पढ़ रहा था। अब दोस्तों, आपको इतने में पता चल ही गया होगा कि कौन सी किताब हो सकती है और उससे वो क्या देख रहा था। तो मैं स्टोरी पे आती हूँ। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इतना मासूम लगने वाला लड़का ऐसा भी कर सकता है। मैं दूर चुपचाप खड़ी उसकी हरकत देखती रही, लेकिन शायद उसे मेरी उपस्थिति का आभास हो गया। उसने मेरी तरफ मुंह फेरा और दरवाजे पर मुझे खड़ा पाकर चौंक गया। वह बस मुझे देखता रहा और कुछ भी न बोल पाया। फिर उसने मुंह फेर कर किताब तकिए के नीचे छुपा दी। मुझे भी समझ न आया कि क्या करूं। मेरे दिल में यह ख्याल आया कि कल से यह लड़का मुझसे शर्माएगा और बात करने से भी कतराएगा। घर में इसके अलावा और कोई भी नहीं है जिससे मेरा मन बहलता है। मुझे अपने दिन याद आए। मैं और मेरा एक कजिन इसी उम्र के थे जब हमने कुछ अच्छे पल गुजारे थे। अच्छे पल से आप सभी समझ गए होंगे मैं कौन से अच्छे पलों की बात कर रही हूँ। फिर मैं सोची उसमें कौन सी बड़ी बात हुई अगर यह कर रहा था तो। मैं उसके पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसके पास ही बैठ गई। मैं चुपचाप रहा। अरे यार, अगर यही करना था कम से कम दरवाजा बंद कर लिया होता। वह कुछ नहीं बोला, बस मुंह दूसरी तरफ किए रहा। मैंने अपने हाथों से उसका मुंह अपनी तरफ किया और बोली, अभी से यह सब शुरू भी कर दिया, कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ, तू अपना मजा पूरा कर ले, लेकिन जरा यह किताब तो देखा। मैंने तकिए के नीचे से किताब निकाल ली। वह हिंदी में लिखी मस्तराम की किताब थी। मेरा कजन भी बहुत सी किताबें इसी लेखक की लाता था और हम दोनों ही मजे लेने के लिए साथ साथ पढ़ते थे। जब मैं किताब उसे दे कर बाहर जाने के लिए उठी तो वह पहली बार बोला, दीदी सारा मजा तो आपने खराब कर दिया, अब क्या मजा करूं? अरे अगर तूने दरवाजा बंद किया होता तो मैं आती ही नहीं। अगर आपने देख लिया था तो चुपचाप चली जाती। अगर मैं बहस में जीतना चाहती तो आसानी से जीत जाती। लेकिन मेरा वह कजिन करीब 6 महीने से नहीं आया था। कजिन का नाम मैं पूरा नहीं बता सकती, बस शुरू का अक्षर N है। तो फिर मैं भी किसी से मजा लेना चाहती थी। काशिक मेरा बड़ा भाई था और बहुत ही अच्छा लगता था, इसीलिए मैंने सोचा कि अगर घर में ही मजा मिल जाए तो बाहर जाने की क्या जरूरत। चल, अगर मैंने तेरा मजा खराब किया है तो मैं ही तेरा मजा वापस कर देती हूँ। अब मेरे भाई को यकीन हो चुका था कि मैं उसका राज नहीं खोलूंगी। वह बड़ी मायूसी के साथ बोला, देखा दीदी अब शायद ही कुछ हो। अरे क्या बात करते हो, अभी तुमने अपनी बहन का कमाल कहाँ देखा। दीदी वैसे तो बहुत अच्छी थी, मगर मुझे नहीं पता था कि दीदी मेरी भी हो सकती है। मैंने फिर ज्यादा नखरे नहीं किए और दीदी की बात मान ली। मैंने उसके हाथ से किताब ले ली। मैंने एक कहानी निकाली जिसमें भाई बहन के डायलॉग थे। मैंने पहले पढ़ा। कहानी कुछ ऐसी थी, एक लड़की होती है, उसका पहले से एक बॉयफ्रेंड होता है और उसकी एक फ्रेंड रहती है और वही फ्रेंड का एक बॉयफ्रेंड रहता है, मतलब कि पूरे 4 दोस्त होते हैं। उसमें से जो पहली लड़की होती है उसकी फ्रेंड का जो बॉयफ्रेंड होता है उसकी फ्रेंड उसको भाई बना लेती है। अब मैं सबके नाम बता देती हूँ। संजना, उसका बॉयफ्रेंड नितिन, संजना की दोस्त जो कि रेखा थी, और उसका बॉयफ्रेंड कार्तिक था, और
संजना ने कार्तिक को अपना भाई बना लिया था। संजना का बॉयफ्रेंड उसे दिन रात देता था, वही जो हर बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को देता है। काफी दिन हो जाने के बाद उसका बॉयफ्रेंड कहीं बाहर चले गया। उसके जाने से संजना बहुत उदास रहने लगी और ये बात कहीं ना कहीं कार्तिक को महसूस होती थी। मगर कार्तिक कभी संजना से बोलता नहीं था क्योंकि उसको संजना ने भाई जो बना रखा था। कभी कभी तो कार्तिक को सपनों में भी सताने लगी थी संजना। ऐसे काफी दिन बीत गए और फिर बहुत दिनों तक नितिन उससे मिलने नहीं आया। ये बात संजना को खाए जा रही थी। और समझने वाली बात तो ये थी, जब लड़की पे बात आ जाती है तो फिर वो रुकती भी नहीं है। कार्तिक उसकी ये समस्या को दूर करने की सोचने लगा और कहीं ना कहीं इसमें दोनों का फायदा था। मगर अड़चन तो थी, संजना उसकी भाई मानती थी। फिर एक दिन कार्तिक संजना से व्हाट्सएप पे बात कर रहा था। बातों बातों में कार्तिक ने संजना से बोल दिया, तुम्हें चिंता करने या फिर किसी और लड़के को ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा पूरा मैं कर दूंगा। कहीं ना कहीं ये बात संजना को पसंद तो आई, मगर फिर वो ये सोच रही थी कि अगर ये बात रेखा को पता चल गई, फिर जल्दी से कार्तिक के सामने ये बात रख ही दी कि अगर ये बात रेखा को पता चल गई तो मेरी दोस्ती मेरे बचपन की फ्रेंड रेखा से टूट जाएगी। कार्तिक ने फटाक से जवाब दिया, इस बात का तुम बिल्कुल तनाव मत लो, मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगा और तुम भी किसी को मत बोलना। फिर कार्तिक ने पूछा कि कब मिल रही हो, फिर उसने बोल दी कि या तो फिर मेरे रूम पे आओ, फिर मिलेंगे और मजे उठाते हैं। बातों ही बातों में संजना ने और वो बोल पड़ी कि मजे तो तुम्हें चाहिए। नहीं नहीं कुछ नहीं बोली। कार्तिक ने उसी वक्त पूछा कि क्या क्या बोली तुम, वैसे मैंने सुन लिया है और ये बात तुम्हारे चेहरे पे साफ दिखाई देती है। वो बोली कार्तिक ने हंसते हुए पूछा, जल्दी बताओ फिर कब मिल रही हो। संजना बोली, मैं तो अभी मिलना चाहती हूँ, तुम वही रूम पे तैयार रहना। कार्तिक बोला, मैं तो 4 महीने से तैयार बैठा हूँ। फिर संजना जैसे तैसे करके कार्तिक के रूम पे आ गई और सभी चीजें तय ही थी और कार्तिक और संजना ने जी भर के मजे किए। मैंने उसके हाथ से किताब लेकर कहा, अब इस किताब की कोई जरूरत नहीं, देख अब तेरा कैसे मैं काम खत्म करती हूँ। अच्छा चल अब सो जा, नींद अच्छी आएगी और आगे से जब ये करना हो तो दरवाजा बंद कर लिया करना। अब क्या करना, दरवाजा बंद करके दीदी तुमने तो सब देख ही लिया है, चल शैतान कहीं का। सुबह उठी, चलते समय मैंने कहा चल आज तुझे अपने स्कूटर पर स्कूल छोड़ दूं। वह फौरन तैयार हो गया और मेरे पीछे बैठ गया। वह थोड़ा सब चाहता हुआ मुझसे अलग बैठा था, वह पीछे की स्टेपनी पकड़े था। मैंने स्पीड से स्कूटर चलाया तो उसका संतुलन बिगड़ गया और संभालने के लिए उसने मेरी कमर पकड़ ली। अच्छा दीदी क्या रात वाली बात याद आ रही है। काशी दीदी रात की बात ही मत करो, काश कल की रात कभी खत्म ना होती। तो फिर दीदी आज रात का क्या प्रोग्राम है, प्रोग्राम पक्का। चल हट, केवल अपने बारे में ही सोचता है, यह नहीं पूछता कि मेरी हालत कैसी है, मुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। चल मैं आज नहीं आती। अरे आप तो नाराज हो गए दीदी, आप जैसा कहेंगी वैसा ही करूँगा, मुझे तो कुछ भी पता नहीं। अब आप ही को मुझे सब सिखाना होगा। जब तक उसका स्कूल आ गया था, स्कूटर के शीशे में देखा कि वह मायूस सा स्कूल में जा रहा था। मैंने मन ही मन बहुत खुश हुई कि चलो अपने दिल की बात का इशारा तो उसे दे ही दिया। शाम को मैं अपने कॉलेज से जल्द ही वापस आ गई थी। काशिक 2 बजे